हेलो गाइस, दिस इज योर चैंप प्रतीक भोसले। तो आइए चले बात करते हैं हाइट के मैटर में। तो अभी आप बोल सकते हो कि थंबनेल ऐसा लगा है, अनरियलिस्टिक टॉपिक है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो आप इस पे वीडियो कैसे बना सकते हो, राइट? तो गाइस देखते हैं, आगे चलते हैं और वीडियो के बारे में आप पढ़ते हैं। अभी तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाइट 75% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, राइट? बट 25% अदर फैक्टर्स भी तो है, राइट? तो उसमें क्या आता है, उसमें पहला आता है न्यूट्रिशन, उसके बाद आता है एक्सरसाइज, उसके बाद में आता है पॉस्चर। आप बोल सकते हो कि मुझे तो ये फैक्ट्स पता है, राइट? अगर आपको पता है देन आपकी हाइट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? एग्जैक्टली। तो न्यूट्रिशन में क्या करना है, न्यूट्रिशन तो आपको पता है, जैसे कि एक हमारी गाड़ी है, गाड़ी के लिए फ्यूल लगता है, तो फ्यूल उस व्हीकल कार का एक एनर्जी सोर्स रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, राइट? तो विदाउट फ्यूल कार तो चल नहीं सकती, वैसा ही बॉडी के मामले में, राइट? अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन कर रहे हो तो बोन को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता है। सबसे पहले आता है दूध, मिल्क। ओके, आप कह सकते हो कि कौन रिकमेंड करता है दूध, पर दूध आपको पीना चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और रात को डिनर के बाद, क्योंकि दूध में सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम रहता है, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइस। तो आप कैल्शियम ले सकते हो दूध से, तो आपको दूध पीना है, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है, पालक, पालक खाना है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि पालक बहुत हेल्प करता है, बिकॉज पालक में बहुत सारे विटामिन्स भी रहते हैं, बोन्स के लिए हेल्दी रहते हैं, एंड पालक आपको हाइट इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरी बारी आती है प्रोटीन की, बिकॉज आपको तो पता है कि प्रोटीन का ह्यूमन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे मसल बिल्डिंग में हो, चाहे न्यूट्रिशन में हो, चाहे हेल्थ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर हेल्थ के लिए हो। तो प्रोटीन में सबसे सस्ता और इसेंशियल एमिनो एसिड का एक सोर्स है, वो है अंडा। तो आप एग्स खा सकते हो, क्योंकि एग्स में इसे इसेंशियल 8 एमिनो एसिड्स है, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में बहुत काम आ जाते हैं, राइट? तो इससे आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी एंड आपके हाइट इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? यस, पहले एक्सरसाइज वही है जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो और करते भी आ रहे हो, साइकिलिंग। जब आप साइकिलिंग करते हो तो पूरा आप पहले पता क्या करना, अपनी जो हाइट बढ़ती है ना, वो स्पाइनल, अपनी स्पाइन रहती है, स्पाइन से हाइट बढ़ती है। अपनी स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उससे अपनी हाइट बढ़ती है। तो अगर वो स्ट्रेच हो रही है तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उम्र भर बढ़ सकती है, पर 20 साल तक या फिर 21 साल तक, बाकी बॉडी टू बॉडी डिफर करता रहता है, पर्सन टू पर्सन, बट 20 और 21 साल तक अपनी हाइट बढ़ सकती है, राइट? तो ये सर, अगर न्यूट्रिशन आप फॉलो करो देन ऑल्सो आपकी हाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। तो अगर साइकिलिंग करते तो आपका स्ट्रेच होता है बैक, ओके? तो दैट इज इनडायरेक्टली द एक्सरसाइज। तो आपके स्पाइन को स्ट्रेचिंग मिलती है और आपके हाइट बढ़ने में हेल्प होती है। उसके बाद आता है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड एक्सरसाइज फॉर इंक्रीजिंग हाइट इज रोप स्किपिंग। आपको रोप स्किपिंग करनी ही करनी है, बिकॉज उससे भी स्ट्रेचिंग मिलती है, राइट? और आप उसके इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, कि ये एक्सरसाइज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इनकी हेल्प करके आप हाइट बढ़ सकते हो, राइट? तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपका पोस्चर। यस, ये कॉमन चीज़ है कि आप नोटिस नहीं करते, आपकी हाइट आधा से एक इंच हर रोज बढ़ सकती है, हर रोज बढ़ सकती है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर पोस्चर। कुछ लोग ऐसे होते हैं पोस्चर में, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट? आप समझ लेना, हमारी स्पाइन जो होती है, स्पाइन वो ऐसी होती है, ऐसी, राइट? अगर ये थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेट हो जाए ना, मतलब पोस्चर के अकॉर्डिंग, देन आपकी हाइट आधा से एक इंच बढ़ सकती है, राइट? अगर आपका पोस्चर ऐसा है तो आप अगर ऐसे होते तो ऑब्वियसली आपकी हाइट बढ़ रही है। पर अभी आप बात करो कि पोस्चर कैसे इंप्रूव करें, राइट? तो पोस्चर इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज है, पहली बात तो हैंगिंग, किसी पुलअप के बार पर या फिर डंडे पर आपको हैंग करना है और पूरा पैर नीचे आपको फैलाना है, राइट? तो आपके स्पाइन को अच्छा प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा, इससे आपकी जो पोस्चर है वो आपका सुधर सकता है, राइट? और उसके बाद आता है कि आप टो टचिंग, आपके हाथ आपके टो को आपको टच करना है पूरा, उस इसमें बाइस लोअर बैक जो होती है, बैक जो होती है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है, पूरी एक्टिव हो जाती है। तो इसे भी अच्छा खासा हाइट इंक्रीजमेंट होने में हेल्प होता है। तो तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो कि स्ट्रेचिंग। यस, स्ट्रेचिंग आपके हाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जब स्ट्रेच करते हो आपके बोन्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, यस, आपके हर एक मसल एक्टिव हो जाता है, और उसको अगर आप बाद में न्यूट्रिशन फीड करते हो अच्छा, देन इट विल श्योरली लीड टू योर इंक्रीज योर हाइट, ओके? तो क्योंकि मैं खुद से ऑब्जर्व किया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2017 में वर्कआउट चालू किया था, जिम ज्वाइन की थी, और 2017 में मेरे अप्रॉक्स हाइट 5.3 थी, 5.3 फीट, और अभी मेरी हाइट 5.8 है।
तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उम्र के अकॉर्डिंग भी बढ़ती है, राइट? ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, बट मैंने जो कुछ एक्सरसाइज किया, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा है, उसका भी मुझे फायदा मिला है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज हाइट। अगर आप जेनेटिकली आपके पेरेंट्स हाइट इतनी है तो आपकी हाइट इतनी या फिर इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर जेनेटिकली आपके पेरेंट्स हाइट इतनी है तो आपकी हाइट इतनी बढ़ सकती है। फिर भी आप जो कुछ अदर फैक्टर है 25% में जो आता है उसमें आप पुश कर सकते हो खुद को, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और पॉस्चर के थ्रू। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारा काम करना है एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ और आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे देख रहे हैं, एंड आई होप कि आप बहुत सारा सपोर्ट करोगे। अगर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक भी दबा देना, क्योंकि वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से और ग्रो हो सकती है। थैंक यू सो मच।